हे गाइस, प्लान में थोड़ा सा चेंज आ गया है। सारा सामान और सारा काम अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है मेरा, कुछ भी नहीं हुआ। ये मुझे सिलना था, इवन सुई भी मैंने यहीं पटक दिया। अब मैं जा रही हूँ जल्दी से घर, मम्मी की आ रही कॉल, बाजी जा रही हैं तो मुझे घर जल्दी से पहुँचना है, खाना बनाना है, फिर मिलती हूँ वहाँ जाके। अब ज़्यादा टाइम नहीं है, बाय बाय। मम्मी की कॉल उठा लेती हूँ। मैं नहा ही नहीं हूँ तो मैंने ये अपने कपड़े रख लिए हैं, अभी तो बस यही कपड़े पहने हुए हैं घर के, सो यहाँ पर मैंने कपड़े रखे हैं। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सुन सुवर्त। कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पर मैं पहन रही थी अपना चोला, मतलब कि अपना बुरका। हालांकि मेरा बुरका ना थोड़ा सा रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट क्या, मैं इसको ज़्यादा तो पहनती नहीं हूँ, बस मम्मी के घर आने जाने के लिए पहनती हूँ, और ये थोड़ा सा फट रहा है तो मैं सोच रही हूँ सिलवा लूँ। तो लेकिन फिर भी मेरा मन था कि मैं ना एक नया बुरका लूँ। एक्चुअली कभी कभी कोई ऐसी रिश्तेदारी निकल आती है जहाँ पर फिर बुरका ही मैंडेटरी होता है, तो फिर उसके लिए भी चाहिए ही होता है। अब ये वाला बुरका तो मैं कहीं अच्छी जगह पहन के जा नहीं सकती, क्योंकि ये तो बस इस घर से उस घर के लिए ही ठीक है। और ये जो थोड़ा बहुत फट रहा है तो ये मैं दुपट्टे से अभी ढक लेती हूँ। टाइम ही नहीं है अभी इन लोगों के पास, और इन लोगों की खैर कोई ज़्यादा गलती है नहीं, मैं भी नहीं दे पाती क्योंकि मैं हूँ भुलक्कड़ और मैं भूल जाती हूँ। तो बस यहाँ पर हमारा झोला और हमारा चोला दोनों तैयार है, अब हम निकलते हैं मम्मी के घर के लिए। लेकिन निकलने से पहले मुझे ना एक चीज़ याद आ गई थी, और वो है ये कि मैंने ना मशीन में लगाए थे मतलब कपड़े, और इनकी रह गई थी ये टॉवल ड्रायर में। तो मुझे एकदम से याद आया, मैं मतलब उतर ही गई थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि अरे ये मैं सुखा जाती हूँ, क्योंकि फिर मुझे पता था मैं रात को ही आऊँगी क्योंकि बच्चों को लेके जा रही हूँ। आपको पता है ये संडे वाला दिन है, मैंने आपको कल ही बता दिया था, तो फिर ये सूख नहीं पाता, तो मैं इसे बाहर बालकनी में डाल गई थी। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि इसे फिर बंदरों ने फाड़ दिया। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मैं ना नीचे से ऊपर आई हूँ, एक्चुअली बाजी का बर्थडे आ रहा है तो बाजी के लिए मैंने एक गिफ्ट मंगाया है। ये है पैरों के पीछे, एक्चुअली पसंद तो बाजी की थी, तो ये आए हुए भी टाइम हो गया, तो मैं सोची थी किसी ओकेजन पे ही दूंगी, तो इसे बेस्ट ओकेजन कुछ और नहीं हो सकता कि उनका बर्थडे है। तो मैंने कहा चलो बर्थडे तो ससुराल में ही मनेगा, तोहफा हम दे देंगे आज ही। ठीक है, आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। थोड़ी बड़ी है बट स्टिल मैंने आपको बताया उन्हीं की पसंद है, मैं उनके लिए कोई भी चीज़ लेती हूँ ना तो भैया उन्हीं से पसंद करा लेती हूँ, कि बंदे की खुद की पसंद होना तो बेटर है, क्योंकि फिर हम पसंद करते हैं किसी को पसंद आए ना आए। तो यह बाजी का तोहफा, और ये मैंने मंगाया था बहुत दूर से, कहाँ से? शाहजहाँपुर। आप लोगों को दिख रहा है MP वाला जो शाहजहाँपुर है ना, ये वहाँ से मंगवाया है, काफ़ी दूर है ये। हम लोग आप लोगों को पता है गए भी थे शादी में, मतलब तब नहीं लाई थी मैं, अनु की जेठानी से मैंने बाद में मंगवाई हैं, वो शाहजहाँपुर की है ना उनका मायका, तो मैंने उनसे मंगवाई थी। वहाँ की काफ़ी अच्छी चांदी है और काफ़ी अच्छे बिछे हुए, मतलब कुछ भी चांदी का आइटम वहाँ पर दी बेस्ट मिलता है, तो इसलिए मैंने वहाँ से मंगवाया था। ठीक है, तो बस जी फटाफट हम आ गए हैं घर पे। अच्छा, मम्मी थी नहीं, मम्मी किसी ज़रूरी काम से बाहर गई हुई थी, इसलिए ही मम्मी ने मुझे इमरजेंसी में बुलाया, वरना मम्मी ऐसे नहीं बुलाती कभी भी। तो बस फिर मैंने भी सब ऐसे छोड़ा, बर्तन सारे इकट्ठे किए, धोए भी नहीं, और कपड़े भी मशीन का पानी भी सारा फेंक दिया, और कपड़े बस मशीन में भर के मैं फटाफट से आ गई हूँ। घर के काम होते रहेंगे लेकिन ये काम ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं मतलब तैयारी कर रही हूँ फटाफट से कि ये मेरा काम हो जाए। मसाला वसाला पीस लेती हूँ मैं, क्योंकि आज हम बनाएंगे गोश्त, और ये बनाएंगे मम्मी के स्टाइल में, बल्कि बनाना तो मुझे ही था, लेकिन जब तक मम्मी आ गई थी, जब तक मैंने फिर ये तैयारी की थी ना, तो फिर मम्मी आ गई थी, तो मम्मी कह रही थी मेरे स्टाइल में बनाइए, तो मैंने कहा मैं आपके स्टाइल में नहीं बल्कि आप ही बनाओ, और मैं अपने व्यूवर्स को आज दिखाऊंगी, क्योंकि आप लोग काफ़ी कहते हैं कि इसकी रेसिपी उसकी रेसिपी। अच्छा, ये जो सालन हम बना रहे हैं इसमें आप आलू भी डाल सकते हैं, वो जो मैंने आलू गोश्त आपको दिखाया था सेम इसी रेसिपी से मम्मी बनाती हैं, बस हमने लेकिन इसमें आलू डाले नहीं थे, हमने खाली ऐसी गोश्त बना लिया था। आप चाहें तो आलू डाल के भून सकते हैं और उसके बाद आप एक सीटी ले सकते हैं। कब क्या करना है वो सब मैं आपको डिटेल में बता दूंगी, लेकिन फिलहाल आप देखिए कि हमारी मम्मी कैसे गोश्त बनाती हैं। अच्छा जी, गोश्त की रेसिपी मैं आपको नहीं दे रही हूँ, सॉरी इसके लिए, क्योंकि फिर मेरे को एकदम से याद आया कि अगर मैंने रेसिपी इसी में दे दी ना, फिर आप लोग दोबारा पूछेंगे पीछे आके बाद में कि अभी वो गोश्त की रेसिपी कौन से व्लॉग में दिया, और फिर आपको पता मुझे याद नहीं रहता, तो मैं अलग से दे दूँगी। ठीक है, आप ही लोगों के लिए कन्वीनियंट रहेगा कि जैसे ये व्लॉग शाम को आ जाएगा तो मैं कल सुबह तक इसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी, उसके बाद आपको कभी भी देखनी हो तो आप वो वीडियो निकाल के ईज़िली देख सकते हैं। तो बस यहाँ पर बाजी के जो तोहफे थे वो रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो मैं
आप लोगों को दिखा देती हूँ कि बाजी को क्या दिया जा रहा है। यहाँ पर भाई जी के भी कपड़े हैं और आहिल के भी, आई थिंक 5 जोड़ी आहिल के कपड़े, हाँ, और फिर ये बाजी के कपड़े हैं। और इसमें कुछ चीज़ें बाजी को अभी जो बाजी शादी में आई थी उसमें मिली थी, लाइक ये जो थाली है ये शादी में मिली थी। जैसे भात में होता है ना, तो बहन बेटी के लिए भी कुछ ना कुछ आता है, तो बाजी बेटी लगती हैं, तो दोनों खालाओं का जो भात चढ़ाया था मामाओं ने तो उसमें आया था, वो भी दिखाऊंगी। ये बाजी 2 जोड़ी कड़े लाई हैं, एक अपने लिए एक अपनी जेठानी के लिए। बाकी ये बाजी की सारी बैंगल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सूट के हिसाब से उन्होंने बैंगल्स ली हैं। कुछ चूड़ियाँ भी हैं, सॉरी चूड़ियाँ नहीं, कड़े भी हैं। तो बाकी सब मैचिंग के हिसाब से बाजी ने अपना काम किया है, खैर अच्छी लग रही हैं। ये है इनका कैप, अच्छा लग रहा था, ये भी आजकल ट्रेंड में यही चल रहे हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, मैं ये पूछ रही थी कि आपने कितने का लिया है, तो बाजी बता रही थी फिर कि ये कितने का बाजी लेकर आई हैं। और यहाँ पर ये सूट वगैरह हैं, तो ये वाइट सूट अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं पता नहीं क्यों बार बार इस तरफ आ रही हूँ, ये भाई जी के कपड़े तो ये भाई जी की शर्ट में बाजी को थोड़ा सा कलर पसंद नहीं आता, तो बाजी चेंज करके लाई थी। चेंज करके क्या लाई थी, क्योंकि वो इमरजेंसी में बिल्कुल लास्ट टाइम पे लाई थी, वो मुझे नहीं पता। ये एक भात का सामान है, ये दूसरा वाला दूसरी भात का सामान है, ये जो सूट है और ये दुपट्टा और टॉवल जो है ये बाजी को वहाँ से मिला अलीगढ़ से, और ये जो टॉवल है और जो थाली है ये मिला है पिलखना से। तो ऐसे ऐसे करके चीज़ें मिली हैं, वो स्वेटर और वो वाला पीछे वाला सूट, येलो वाला, ब्राउन, वाइट, ये सब मम्मी ने दिए हैं। तो बस इस तरह से छोटे मोटे तोहफे लेके जा रही हैं हमारी बेटू। अपना हेयर स्टाइल दिखा दो, आज क्या बनी हुई हो? हाँ प्रिंसेस ही तो लग रही हो, रिक्शा चलाने वाली लग रही हो। और आप क्या कर रही हो लिपू? हाँ बोलते, जी बोलते, जी अच्छा हाँ बोलते, पता नहीं क्या क्या बनती रहती है। और कल पेपर है और बैग भी नहीं लाई, मुझे तो बता कर नहीं आई, नीचे से नीचे आ गई। तो बस जी यहाँ पर मैंने सैलेड रेडी कर दिया था। अच्छा मैं खाने की तो बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना पाई ना, मतलब यहाँ से जाते में, और मैं ना फिर अंदर गई नहीं थी क्योंकि थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता हर टाइम। पता नहीं भाई जी कहते नहीं है, लेकिन क्या पता उन्हें अजीब लगता हो, वैसे उन्होंने कभी कहा नहीं है, हमेशा बेचारे बनवाते हैं। तो मेरी थोड़ी हिम्मत सी नहीं हो रही थी, तो आज मैंने बाहर से चुपचाप से शूट किया था, तो भैया और भाई जी बैठ के खा रहे थे और उधर बच्चे भी हैं बस। लेकिन मुझसे ये मत पूछना कि ये खाना कौन से टाइम का है, क्योंकि ये डिनर से पहले है और लंच के बाद में, तो ये बीच शाम का खाना हो रहा है। एक्चुअली भाई जी थोड़ा कह रहे थे कि जल्दी पहुंच जाते, वैसे भी सर्दियों के टाइम है ना, बहुत जल्दी रात हो जाती है। तो अच्छा है, अच्छा क्यों क्या था, अच्छा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। आज ये भी चली जाएगी बेटे, क्या 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 हाँ? अच्छा अच्छा सोनम बाजी जाने की कह रही है, अच्छा जा रही हो, हाँ गाइस को सब दिख रहा है, ये तुम्हारी नहीं है, गाइस को ये भी पता है ये तुम्हारी नहीं है, ये आयल की है। सबको ही पता है, तो फिर आप क्यों कह रही हो कि मैं अपनी बाइक ला रही हूँ? अच्छा जब गाइस से बात करा करूँ मुंह बंद कर लिया करो, क्योंकि दांत दिखते हैं, फिर गाइस कहेंगे कि आयरा खुडी है। मुंह बंद करो यार। अच्छा मेहंदी दिखाओ गाइस को, मेहंदी दिखाओ जो अभी अभी लगवाई है बेटे। फूफी की मेहंदी लगी तो आयरा ने सोचा मैं क्यों पीछे हटूँ, मैं भी लगवा लूँ, है ना। मैं मेहंदी लगा रही थी, अच्छा लगता है वैसे मुझे। अच्छा बहुत मेहंदी, मुझे सबसे ज्यादा मेहंदी पसंद है। हाँ तुम्हें भी पसंद है और लिबा को भी पसंद है। पैरों में लगाना पसंद है। ओ पैरों में नहीं लगाते भैया, बड़े भी नहीं लगाते पैरों में, तो सिर्फ शादी के बाद लगाते हैं उससे पहले। हाँ और आप कहती, हाँ दादी आ गई, ले लो।
नींबू ये भी नहीं लाया मम्मी आपको इसकी बहुत याद आएगी है ना। मम्मी का सच्चा साथी था ये। राजा बेटा मत जा तू बाबू नहीं रहेगा मेरा बाबू तो क्या 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 जे जे मुझे खड्डी के अरे कहीं के रहा ना अच्छा वो से के अच्छा वो ही कह रहा है मेरा भैया है ये वाइट उस पे नहीं गिरा ले अपने मेरा भैया है अच्छा मेरा भैया तो जे खाएगा भैया जैसे मन कर रहा था तो हिल में ना वो मेरा राजा इन्हें लगी है एक वो अभी टेप ला रहा है टेप फट रहा है तो बोल रही हूँ टेप खोलो ना निभा को देखो मेरी चेन में कैसे एंटी मान रखी है हैप्पी बर्थडे टू यू कितने दिन पहले अब बर्थडे तो आप फिर वहाँ मना दस दिन पहले दस दिन पहले इसे देखो क्या नहीं आता आ रखा मेरी चेन में तोड़ के ही मानेगी मेरी चेन अच्छा ली नहीं फिर नहीं चलो ध्यान प्यार में ये तो प्यार भी नहीं कभी देता मुझे छूने नहीं देता है गिर गया कुछ चिची ले ना मैं जाऊंगा ना ये जाएगा तू भी नहीं जाएगा हाँ मना कर रहा हूँ नहीं जाएगा राती मना कर रहा नहीं जाऊंगा आई हेट गुड बाइज
तो जी हाँ, यहाँ पर बिट्टू जा रही हैं और इस बार बिट्टू काफ़ी टाइम हमारे साथ रह के गई हैं, तो मन बहुत ही ज़्यादा उदास हो रहा था, मम्मी का तो और ज़्यादा। और ये जो आहिल है ना, ये मम्मी का मतलब बेस्ट फ्रेंड बन गया था। एक्चुअली मैंने आप लोगों को बताया भी था, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ना ये दिक्कत हो रही थी कि बिट्टू क्यों आई हैं और अपने घर क्यों नहीं जाती हैं। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, क्या बेटी का मायके पर कोई हक नहीं रह जाता क्या शादी के बाद? भाई वो उसका अपना घर है, वो जितने मर्जी आए दिन रहे। और फिर लोग पता नहीं क्यों ये कयास लगाते हैं कि भाई लड़ कर आई हैं, झगड़ कर आई हैं, या इनकी इनके घर में बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती, हमारी बिट्टू बहुत अच्छी हैं और इनके ससुराल वाले तो और भी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, तो सभी आपस में मिलजुल कर और एक साथ ही रहते हैं। इनके मतलब अभी भी बिट्टू के ना जो ससुराल में इनके चाचा ताऊ ये भी सारे मतलब घर अलग अलग हैं लेकिन सब आसपास ही हैं और काफ़ी प्यार है सब में। और फिर इनके खुद के भाई भी हैं, हमारे जो बहनोई हैं, नंदोई हैं सॉरी, उनके अपने भाई भी हैं, वो लोग सब बहुत अच्छे मोहब्बत वाले हैं। बहुत अच्छी फैमिली है बिट्टू की, पढ़ी लिखी फैमिली है, तो सब बहुत प्यार से रहते हैं। छोटी मोटी बातों पर तो कोई ध्यान भी नहीं देता इनके घर में, तो ठीक है। तो ये मतलब इसीलिए नहीं आई थी कि कोई घर से लड़के, तो मैं बता रही थी कि वो मतलब एग्ज़ाम देंगी अभी टैट का, तो उसकी तैयारी कर रही थी, तो इसलिए आई हुई थी। अच्छा, इनका जो एग्ज़ाम होगा वो भी मथुरा में ही होगा, इसलिए वो पहले ही जा रही हैं। एग्ज़ाम उनका 17 तारीख का, नहीं टैट का 17 का नहीं है, टैट का तो शायद अभी डेट भी नहीं पता, अभी इनका एक और एग्ज़ाम है वो 17 तारीख का है, तो इसलिए बिट्टो जा रही है। और हाँ, बिट्टो की एनिवर्सरी है 15 तारीख की, और फिर एग्ज़ाम है, तो मतलब सभी कुछ है। तो बस अब ये जा रही हैं अपने घर, और इस बार भाई जी नहीं एक और गाड़ी लेकर आए। माशाल्लाह इनका जो बिज़नेस है टूर एंड ट्रैवल का ही है, जैसे कि हमारा है, लेकिन हमारा तो आप मानते नहीं, आपने तो मेरे पति को मतलब स्टैंप लगा के ड्राइवर घोषित कर रखा है, तो अब तो मैं भी ड्राइवर ही मानने लगी हूँ। कई बार मैं मजाक में भी कहती हूँ ड्राइवर बाबू, तो फिर वो हंसते हैं। तो खैर बहरहाल, तो मतलब पिछली बार भी ये गाड़ी लेकर आए थे, तो वो अर्टिका का मतलब टॉप मॉडल था, और अब इन्होंने एक और नई गाड़ी निकाली है, तो ये है इको। तो माशाल्लाह नई नई गाड़ियाँ लेते रहते हैं, और काफ़ी अच्छा इनका बिज़नेस भी है। तो बस काफ़ी अच्छी फैमिली है, सब कुछ अच्छा है, और बेटियाँ अपने घर चली जाती हैं, माँ बाप का घर सूना कर जाती हैं। और आहिल की मम्मी की इससे ज़्यादा दोस्ती इस लेती है, क्योंकि आहिल पूरा दिन मम्मी के साथ रहता था, मम्मी ही संभालती थी, तो एक तरह से मम्मी के साथ बहुत अटैच, इसका हर काम मम्मी करती थी, तो मम्मी ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। तो मैं समझा रही थी कि देखो अब जाना तो पड़ेगा ही ना, अब उसके दादी दादू भी मिस कर रहे होंगे भैया उसे, तो बस इसीलिए अब जा रहे हैं। तो वीडियो ख़त्म नहीं होगा, वीडियो तो अभी चलता रहेगा, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी कि घर जाके फिर हमने क्या किया। अच्छा, यहाँ पर ये शायद 6:30 का टाइम हो रहा है, हार्डली इतना ही हो रहा होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो बस अब ये लोग निकल रहे हैं, इसके बाद अब घर में इन लोगों को लाएंगे खाना, अपने घर वालों को, क्योंकि पापा रह गए, भैया रह गए, तो ये लोग सब रह गए, मैं भी रह गई हूँ, क्योंकि हम लोगों ने तभी खाया था एक एक रोटी, अब दोबारा खाएंगे ना। यहाँ सब लोगों ने खाना पीना खा लिया है, अब हम घर जा रहे हैं। ये तो आएंगे और भी ज़्यादा लेट, और कल आ रहा है का एग्ज़ाम है, तो देखती हूँ थोड़ा बहुत पढ़े तो पढ़े, क्योंकि तो पूरी दोपहरी तो ये लोग सोए नहीं है, तो अब इन लोगों को नींद आ रही है, लेकिन मैं तो अपनी पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए आ जाइए, घर चलते हैं। तो जी हम आ चुके हैं वापस घर पर, और अब बज रहे थे रात के 11:30 कुछ आसपास ही हो रहा था टाइम, तो बस अब ये आ गए थे, तो फिर इनको खाना खाना था, तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से फटाफट से गरम गरम रोटी डाल देती हूँ, और इसके बाद फिर हम सोएंगे, क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था सुबह से कुछ ना कुछ। अरे हाँ, और मैंने आके पता इतने सारे बर्तन थे वो और धोए हैं, तो बस फिर मेरी ना बैंड बज गई थी आज बहुत बुरी तरह, फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी काम निपटाना तो है ही, फिर लास्ट में अब बस इनको खाना पीना रह गया था, इसके बाद थोड़ा बहुत जो बर्तन होंगे वो धो धा के फिर मैं करूँगी आराम। और आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो आप लोग को पसंद आए तो आप लोग को पसंद ही आती है माशाल्लाह से। मेरे पास ना कल कमेंट आया किसी का, मेरे को सॉरी नाम याद नहीं, वो ये कहती थी या फिर यह आपने क्या किया कि हाफ वीडियो कल दोगे, हमने कैसे कैसे तो हम इंतज़ार करते हैं और अब एक दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा। आप वीडियो लंबी होने का बिल्कुल भी खौफ मत किया करो, जितना मर्जी लंबी वीडियो बनाओ, हमें अच्छी लगती है आपकी वीडियोज़ देखना, तो इतने प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं भी एडिटिंग करते करते ना पता एक दिन में थक जाती हूँ, इतनी लंबी वीडियो की एडिटिंग, आधे घंटे की वीडियो हो जाती है और बहुत लंबी एडिटिंग हो जाती है, आप समझ ही सकते हो। तो बस जी आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगी इंशाल्लाह, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और कोई गलती हो गई तो माफ़ करना। अल्लाह हाफिज़।